नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर प्रयागराज मेजा से। मेजा क्षेत्र के लोहारी गांव में एक महिला द्वारा एक लड़के को गायब करने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के लोहारी गांव धईकरान बस्ती की किरण वर्मा पत्नी बबलू वर्मा ने आरोपित किया है कि गांव की ही विवाहित महिला नीतू वर्मा पत्नी राजा बाबू मेरे नाबालिग लड़के विशाल वर्मा 14 वर्ष पुत्र बबलू वर्मा को बहला फुसला कर मेरे घर से सोने का झुमका, सोने की चैन, सोने की बाली, चांदी की पायल व नकदी सहित नाबालिग लड़के को लेकर गायब हुई है। मुझे जानकारी होने पर मैं काफी खोजबीन किए, कहीं पता नहीं चला। वहीं पीड़ित ने मेजा कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। विशाल कौन? विशाल मेरा बेटा है। जो औरत? औरत लेकिन मेरे बेटे के भाग गई है। पूरी जानकारी दीजिए इसका, कितने बजे का घटना है और अभी तक क्या हुआ? 2 बजे पता चली है। और हमारे घर से सकरी कंठूल झुमका और हमें बिटिया का बाली पायल गर्दन इतना चीज हमारा चोरी हुआ है। नगद पैसा भी कुछ गया है? हाँ, 1000 रुपया गया है। 1000 गया है। इसकी सूचना आप कहाँ पे दिए हैं? अभी कहीं नहीं, कहीं नहीं दिए हैं। 112 नंबर चौकी थाने पे बताइए। नहीं, चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा राजा बाबू नाम है। राजा बाबू नाम है आपका। आपकी औरत फरार हुई है? हाँ जी। कितने बजे से फरार हुई है? 11:30 बजे। सर, ये आपकी जानकारी कब हुआ? हमको अचानक यहाँ से हमारे काका थी हमसे पूछी ने कि हम पहले नहाए, उसके बाद काका थी भाटा बैगन काटिन, उसके बाद क्या करते थे वो मैं पता नहीं का मिलाया हैं। अब हम वैसे फिलहाल वो पढ़ावा और उसके बाद क्या करते हमसे वो पूछिन कि क्या करते हम जाते थोड़ा माँ पेट दर्द करता उधर बाहर, तो हम कहा जा थोड़ा जल्दी आओ। तो उसके बाद इन क्या करते तब से बोल हमारे घड़ी यहाँ थे, हमारे हाथे का घड़ी निकाल के बेगिन छुपा के रख दें। और उसके बाद क्या करते हम अचानक जब समय ज़्यादा होने लगा तो हम घड़ी ही ढूंढने लगे कि टाइम देखी कितनी देर भवा कि कहाँ करे लगी, कहाँ गई, कहाँ नहीं गई। ये अचानक का करते उसके बाद हम घड़ी लगावा देखे ढूंढक चालू किया, आवा ननकू के पास। ननकू से हम कहा बेटा कुछ पता चला कहाँ है वो? प्रयागराज ब्यूरो, अखिलेश कुमार यादव की खास रिपोर्ट।